सुने हैं वोडाफोन की मछली, एयरटेल की मुर्गी, एयरटेल की भैंस, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। कोई कंपनी नहीं है, ये सब जितनी भी सजीव चीजें होती हैं जो हमारे काम में आती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है। स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस अर्थशास्त्र के ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में, एक वीडियो में बाबू पूरा का पूरा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाने वाला है। और इससे इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, पहला तो आप सब्जेक्टिव ही लिख देंगे, क्योंकि ये देखिए एक वीडियो में पूरे मैराथन में कंप्लीट है। और इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को भी टिक कीजिएगा, पूरा का पूरा आपका सही होगा। बहुत ही जबरदस्त तरीका से यहाँ लेशन को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना सीधा पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ताकि आप देख करके एग्जाम में जा करके पूरा का पूरा लिख दीजिए। तो यहाँ को देखिए, सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ है अर्थव्यवस्था। सबसे पहले आपसे एग्जाम में दो नंबर में यही पूछा था, अर्थव्यवस्था, अर्थ माने पैसा, अव्यवस्था माने व्यवस्था करना। आप बताइए, अगर आप पैसे रुपये वाले अच्छे हैं, आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, इसका मतलब कि आपका अर्थ, अर्थ माने पैसा आपके पास बहुत अच्छा है। और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो जो काम करने के बाद आप पैसा का व्यवस्था कर लेते हैं। अर्थ मतलब पैसा और व्यवस्था, जो काम करने के बाद आप पैसा का व्यवस्था करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिएगा, अपने यहाँ भारत में तीन चीज़ें करके पैसा का व्यवस्था किया जाता है। पहला खेती करोगे, दूसरा व्यापार करोगे, तीसरा नौकरी करोगे। ये तीन ही चीज होता है, तीन सेक्टर है, तीन क्षेत्र है जिसे पैसा कमाया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज बाबू खरीदने जाना है, तो अगर वो मिल गया आप खुश हो गए, तो फिर आपके पास पैसा आप कमाने की क्या जरूरत है। तो कोई ना कहीं से वो मिल गया ना, तो यही है अर्थव्यवस्था। अपने जरूरत का सामान अगर कहीं से ले रहे हैं या व्यवस्था कर ले रहे हैं ताकि आपका जीवन चल जाए, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था तीन तरह से पैसा कमाया जाता है। कितने तरह से? तीन तरह का ढांचा है कमाने का। पहला, आप खेती करके कमा सकते हैं, यानी कृषि करके। दूसरा, आप खेती से जो भी सामान निकलेगा, समझिएगा ध्यान से, उसको कंपनी में बेचेंगे तो क्या करेगा, आपके खेत वाला सामान को कंपनी कोई ना कोई चीज़ बनाएगा ना। तो दूसरा, आप व्यापार करके कमा सकते हैं। पहला खेती करके, दूसरा व्यापार करके, और तीसरा पैसा कमाने का तरीका है नौकरी करके। क्या करके? नौकरी करके। तो ये तीन प्रकार का व्यवस्था है, तीन प्रकार का अर्थव्यवस्था, तीन प्रकार का संरचना है। पहले प्रकार जो खेती है वो प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा जो व्यापार है इसी से ये बना है वो क्या है, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा जो नौकरी है, अब थोड़ा समझिएगा, तीन नंबर तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। आप कभी जाइएगा बैंक में, कहिएगा बैंक में, तो बैंक वाले के पास जब पैसा दीजिएगा तो वो क्या करेगा, बैंक को उठा के आपको दे देगा, ऐसा तो नहीं करेगा, वो सेवा देगा आपको। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, बस अगर आप उसके पास जा रहे हैं और आपको संतुष्टि मिले, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सेवा दे रहे हैं, तो हम सेवा क्षेत्र में आएंगे, है कि नहीं। उद्योग क्षेत्र किसे कहते हैं, बिजनेस को कहते हैं। जैसे मान लीजिए, समझिएगा, गाड़ी भाड़ा जो आप देते हैं ना, मान लीजिए टेम्पू पर जा रहे हैं, ऑटो पर जा रहे हैं, तो ऑटो आपको एक जगह से दूसरे जगह छोड़ देता है 10 रुपये में। ऐसा नहीं कि उसको 10 रुपये दिए तो कहा कि ले जाओ ऑटो, ऑटो आपको नहीं देता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र, जो आपको सेवा दिया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलीफोन आपको सेवा देता है, पैसा तो डलवाते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं देता है, बस बात करा देता है, फील करा देता है, आपको लग जाता है कि ना भाई पैसा डलवाए तो हमको फायदा मिल गया, महसूस हो जाना, सेवा क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र में व्यापार आ जाता है, कंपनी आ जाती है, और प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है कृषि या भगवान द्वारा बनाई गई हर चीज़, जैसे मुर्गी फार्म, तो मुर्गी फार्म जो होगा, पोल्ट्री फार्म वगैरह हो गया, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र में नहीं है, व्यापार नहीं है। कैसे? आप कभी सुने हैं वोडाफोन की भैंस चाहिए हमको, किसी कंपनी का नाम मुर्गी उर्गी पर भैंस वैस पर नहीं लगता है, एयरटेल की मुर्गी चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। संचार और बीमा, LIC वगैरह जो समझ रहे हो ना, यही हो जाएगा। आज़ादी के समय देखो, पहले जितना भी पहले जाओगे तो पहले सभी लोग खेत में काम करते हैं, और आज धीरे धीरे खेत से व्यापार में, अब व्यापार से अब लोग नौकरी के चक्कर में लग रहे हैं, तो तीनों क्षेत्र आया कि नहीं, ठीक है। धीरे धीरे अब कृषि खत्म हो रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, और सब लोग नौकरी के चक्कर में नहीं तो व्यापार के चक्कर में लग रहे हैं। तो जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस वक्त प्राथमिक यानी कृषि के क्षेत्र में 58% लोग थे, 58.7 पता है, लेकिन आज क्या हो गया, मात्र 22% खेती करने वाले लोग रहे, सब कोई व्यापार करने लगा। उस वक्त आज़ादी के समय व्यापार करने वाले 14% थे, ये बढ़ गए हैं व्यापार करने वाले, बिजनेस लोग करना शुरू करें, आज 22% हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, तृतीय क्षेत्र में पहले नौकरी में मात्र 27% लोग हैं, अब यहाँ देखिए डबल करके 57 × 54 = 256, आज 56% लोग क्या कर रहे हैं, तृतीय यानी सेवा, नौकरी कर रहे हैं, तो सब लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। धीरे धीरे पहले खेती आगे था, आज लोग नौकरी के पीछे, नौकर बनना चाहते हैं हमेशा, ठीक है।
ये हो गया अर्थव्यवस्था की संरचना। आप देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी संपत्ति है, समझिएगा प्रकार का मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास जो भी संपत्ति है क्या वो आपकी है या सरकार की है या सरकार और आपकी दोनों है, इसके अनुसार बांटा गया। तो आप चाइना में जाइएगा ना, तो चाइना में आपका पर्सनल कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ जब चाहे सरकार आपको वहाँ से हटा सकती है, तो वहाँ सभी चीज़ समाज का है, यानी कि सरकार का है, सरकार या समाज दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा तीन प्रकार का ये भी हो जाएगा संरचना। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे पूरे के पूरे संपत्ति का अधिकार किसी एक पर्सनल व्यक्ति का हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा जमीन है तो इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो वैसे देश को क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वहाँ की अर्थव्यवस्था होती है। जैसे अमेरिका, अमेरिका में अगर आपका संपत्ति है तो उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये सब क्या है, पूंजीवादी है। लेकिन बात करें हम सामाजिक, तो ऐसा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिस पर पूरा का पूरा सरकार का अधिकार हो, ठीक है, आपका थोड़ा भी अधिकार नहीं है, बस रह रहे हो तो रह रहे हो, जब मन करेगी सरकार हटा देगी। जैसे कि चाइना, चाइना में जाइएगा ना, आंदोलन कीजिएगा बैठ करके, सरकार को कहिएगा कि ये आप ये बात मानिए, खूब बुराई कीजिएगा, एक एक बार तोप लगाएगा उड़ा देगा आपको सीधे, उस पर सरकार पर कोई दबाव नहीं। तो संपत्ति पर सरकार का अधिकार, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था। इसमें चीन और क्यूबा आ जाएगा। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, रट लीजिए, भारत में मिश्रित, यानी कि अगर देखिएगा आपका जो जमीन होता है ना, आपके जमीन का रसीद कटाया जाता है, कभी आप घर पे बाबू पूछिएगा, ठीक है। इसका मतलब कि उस जमीन पर आपका भी अधिकार है और सरकार का भी अधिकार है। जब भी सरकार यहाँ आपके जमीन में कुछ करेगी ना, तो उसके बदले में आपको पैसा देगी। तो जिस संपत्ति पर आपका और सरकार दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अपना देश विकास कर रहा था तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताना है। मान लीजिए हम लोग विकास कर रहे हैं ना, तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अब वृद्धि देखिए, शरीर का वृद्धि होता है, एक समय के बाद शरीर वृद्धि करना बंद कर लेता है, ठीक। लेकिन हमारे ज्ञान का वृद्धि नहीं होता, हमारा ज्ञान बढ़ता है नहीं बढ़ता है, ये विकास करता है, ये ज्ञान लेना कभी खत्म करता ही नहीं है, हमेशा विकास हमेशा चलते रहता है। मरते दम तक, मरने के समय हमें ये सीखना है कि हम लोग मरते कैसे हैं। तो वृद्धि एक समय के अनुसार रुक जाता है, ठीक, लेकिन विकास समय के अनुसार नहीं रुकता है, वो हमेशा विकास होते रहता है। या फिर बहुत लोग वृद्धि और विकास के बारे में बोले हैं कि जो देश, समझिएगा, खूब ज़्यादा अमीर हो गया है, बहुत ज़्यादा अमीर, उसके बाद से अगर एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है तो अब कहेंगे वहाँ से वो वृद्धि कर रहा है। और जो देश गरीब है और थोड़ा थोड़ा अमीर बन रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं विकास। क्या कहते हैं, कि हाँ भाई हमारा देश, जैसे इंडिया विकास कर रहा है क्योंकि वो नीचे था, अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अमेरिका के पास पैसा बढ़ेगा ना, तो अब तो बढ़िया गया, वृद्धि उसमें हो रहा है, ये यहाँ पे कहा गया है। देखो यहाँ पे एक मैडम थी, उर्सुला मैडम, मैडम कह रही है कि वृद्धि का मतलब विकसित देश से है। विकसित देश माने जैसे अमेरिका वगैरह अगर आगे बढ़ रहा है तो हम कहेंगे वो वृद्धि कर रहा है। लेकिन कोई छोटा देश विकासशील जैसे भारत हो गया, तो अगर वो भी वृद्धि कर रहा है तो हम कहेंगे वो वृद्धि नहीं, विकास कर रहा है। और इन्हीं को इंग्लिश में बोल दिए कौन, यहाँ देखो ब्राइट, तो ब्राइट सिंह ने ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल किया। ग्रोथ माने भी वृद्धि होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ब्राइट, इंग्लिश में ब्राइट लिखा है और इन्होंने इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल किया, ये दोनों मैडम। लेकिन एक आ गया मेडिसिन, मेडिसिन माने दवाई, लेकिन मेडिसिन नहीं लिखा है, मेडिसन। ये बोले कि सुनो, हम साफ साफ बताएं तुम लोग दोनों क्या बोलना चाहता है, चुपचाप कहो कि जो धनी देश है अगर वो पैसा बढ़ेगा उसका, तो हम वृद्धि कहेंगे। तो ये बोला कि हाँ वही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ष का वृद्धि विकास किया। जो अमीर है अगर उसके पास पैसा बढ़ रहा है तो कहेंगे वो वृद्धि कर रहा है, लेकिन जो गरीब है उसके पास पैसा बढ़ रहा है तो कहेंगे कि वो विकास कर रहा है। क्या कर रहा है, विकास। ये किसने कहा, सबको एक बार में दवा दे दिया, मेडिसिन ने, मेडिसिन दे दिया, ठीक। समावेशी विकास क्या है, अब कहेगा भाई ये कौन सा विकास आ गया, अभी तो दूसरा विकास पड़ रहा है। समावेशी का मतलब होता है आपके समाज में गरीब भी लोग होंगे, अमीर भी लोग होंगे, ठीक। अगर सबका विकास हो रहा है साथे में, तो उसी को कहते हैं समावेशी विकास। समाज में सभी वर्गों के विकास को समावेशी विकास। और सतत विकास क्या होता है, तो लगातार है ना, तो लगातार विकास होना चाहिए। ये नहीं कि आज 10,000 कमा लिया सीधे 6 साल बैठ गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सतत विकास माने जो विकास लगातार हुआ, हमेशा होते रहे। जैसे हमारे ज्ञान का विकास लगातार हो रहा है, शरीर का विकास अगर लगातार होने लगे ना, बढ़ने वाला, वृद्धि वाला, तो आदमी कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, बाद में यहाँ देखेगा। यहाँ देखो तो सतत विकास किसे कहते हैं, लगातार जो विकास होगा उसे सतत विकास या पोषणीय विकास कहते हैं। इसी तरह से एक आयोग चलाया गया, ब्रॉडलैंड आयोग। ये ब्रॉडलैंड आयोग जानते हो क्या कह रहा था, ये कह रहा था ये सतत विकास के बारे में बोला है कि सही बात है, विकास तो लगातार होना ही चाहिए, इंसान को हमेशा कुछ आगे सोचते रहना चाहिए, ये ब्रॉडलैंड आयोग ने कहा था, ठीक है। तो अभी तो आगे बढ़ेगा तो शादी ब्याह होगा, ब्रॉडलैंड बैंड वगैरह बजेगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि सतत विकास के बारे में इन्होंने बताया और बोला है कि विकास बिना भावी पीढ़ियों की क्षमता के, आप विकास कर रहे ना, तो मत सोचिए कि हमारा भावी पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी,
आने वाला पीढ़ी के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, योग्यता से समझौता किए बिना आप विकास कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा ये मत सोचिए, अभी क्या करना है ये सोचिए, ठीक है, ये आयोग बोला है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, अभी ये वाला 3 बार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्थिक नियोजन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक नियोजन का मतलब होता है आपके पास जो चीजें बच गया है उसका सोच समझ के, तो सोच समझ के बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको बोला जाता है विवेकपूर्ण, जो भी आपके पास बच गया है संसाधन उसका सोच समझ के विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, नियोजन यानी प्लानिंग कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से एक ऑफिस बनाया गया देश को चलाने के लिए, योजना आयोग, ये बोला कि बाप रे दुका दुका वृद्धि विकास उस समय से कर रहा है, सुनो हम भारत के हैं और हम एक नियम दे रहे हैं, ठीक है, 5 साल पर हम चेक करेंगे कि देश कितना विकास कर रहा है, ठीक है, 5 साल में देखना है, तो 5 साल के लिए जितने भी पंचवर्षीय योजना है ये शुरू किया, 5 साल पर कितना कौन देश विकास कर रहा है, 5 वर्षों के विकास की योजना बनाता है योजना आयोग, जो कब बना, जब हमारा संविधान बना होगा, तो संविधान बना था 1950 में, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना, और इसके मेन मालिक कौन होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसको पदेन अध्यक्ष बुलाते हैं, अध्यक्ष नहीं पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि पहले से किसी नौकरी में है चाहे कोनो काम कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी हो तो पहले से प्रधानमंत्री है कि नहीं, लेकिन वो किसके, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भी है, ठीक है, तो अभी के लिए वर्तमान में कौन हो जाएगा पदेन अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी, जब स्टार्टिंग में बना था तो उस समय कौन हो जाएंगे आप कमेंट कीजिएगा या बता दें, जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू पदेन स्टार्टिंग में थे 1950 में, वही प्रधानमंत्री थे, उसमें इसमें 8 सदस्य थे, उस वक्त भी कितने सदस्य थे, 8 सदस्य, ये प्लानिंग करते थे 5 साल में कौन कौन कितना काम हो रहा है, हर 5 साल पर एक बैठक होगा, तो पहला बैठक 50 में तो नियम लगा 51 से शुरू हो गया, तो पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 5 साल जोड़ लो 56, ऐसे करते करते बढ़ते गया है, लेकिन आपसे मात्र 3 गो पूछेगा, पहला 11वां 12वां, तो पहला तो याद हो गया 51, एक यहाँ से शुरू है ना 51 से 56 क्योंकि 50 में नियम लगा है, अब 12वां 12 से शुरू हुआ है, पहला 1 से शुरू हुआ है 12वां 12 से शुरू हुआ है, तो बच गया 11वां, तो मान लीजिए 5 साल का होता है तो 12 में खत्म हुआ होगा, तो 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 5 साल हुआ ना, अब 12वां फिर 12 से 17 अब पहला 51 से 56, ठीक। यहाँ देखिए कुछ नेट एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला है कुछ नेट बोले हैं, देखो क्या कि गरीबी एक कैंसर है, ठीक है, ये ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होती है, क्या ये बात सही है, नहीं बाबू गरीबी कैंसर नहीं है, ये बीमारी ठीक कर सकते हो, अपने मेहनत के बल पर दुनिया का हर मुकाम हासिल किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए APJ अब्दुल कलाम बोले हैं कि सुन लो पूरे भारत के लोग, हम लोग के बिहार के बारे में बोले हैं कि बिहार का विकास होगा, बिहार आगे बढ़ेगा तबे पूरा देश आगे बढ़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि बिहार में टैलेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई भी आएंगे देखिएगा बाहर के जितने भी लड़के या लड़के कोई भी आएंगे तो वो आएंगे तो एक्सपीरियंस होल्डर आएंगे, माने बत्ती बनाना जानते हैं ना, लाइट, तो लाइटें वो बना सकता है, दूसरा कुछ नहीं बना सकता है, लेकिन बिहार के जब कोई लड़का जाएगा ना तो कहेगा, कोई पूछेगा का जानते हो, अत आपके यहाँ कौन काम खाली है, लाइट बनाना जानते हो, अत एक बार बता दीजिएगा सीख जाएंगे, पंखा बनाना एक बार दिखा दीजिए सीख जाएंगे, यानी बिहार में बहुत टैलेंट है, इसीलिए APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन इनको बोला जाता है, इन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, बिहार का विकास करो पहले, ठीक। अब देखो योजना आयोग 5 साल का योजना बनाना शुरू कर दिया, 5 साल तक सभी लोग काम करें, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि भाई 5 साल में कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, कोई चेक करने वाला चाहिए ना, तो ये चेक करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, हमारा राष्ट्र कितना विकास कर रहा है इसके लिए एक फिर ऑफिस बनाया गया राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। यहाँ देखिए 50 में योजना आयोग ने क्या बोला, 5-5 साल पर आप विकास चेक कीजिएगा, ठीक है, 51 से शुरू हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब इसको चेक करने के लिए 52 में राष्ट्र कितना विकास किया, राष्ट्रीय विकास परिषद हर राज्य में होता है, 28 राज्य है ना हर राज्य में, कि भाई राष्ट्र के आदमी नहीं होते हैं, मतलब कि आपके देश के आदमी होते हैं, राष्ट्र का मतलब क्या, वही सेम हो गया, लेकिन ये मत समझिए कि मोदी जी का आदमी है, जैसे हर मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है, तो 28 राज्य में 28 मुख्यमंत्री हुए, तो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, मुख्यमंत्री होते हैं, कौन होते हैं मुख्यमंत्री, और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। यहाँ देखिए ये क्या करता है, कार्य जो होता है राज्य सरकार, और इसका काम क्या है, इसका काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का कि सभी राज्यों में चेक कर लेता है, अपने अपने सब लोग राज्य में चेक कर लेंगे कि भाई हमारा कितना विकास होता है, ठीक, और वो किसको बताएंगे, योजना आयोग को बताएंगे, तो राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल बैठाने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, इसके अध्यक्ष सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अब बात करते हैं मौद्रिक विकास, आपको पता होना चाहिए कि पैसा के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है,
ठीक है, पैसा है तो सब कुछ है। आपको शुरू से ही बताएं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ देखिए मौद्रिक विकास, पहले जानते हो क्या होता था बाबू, पहले कोई चीज खरीदने जाना होगा ना तो पैसा से नहीं खरीदा जाता, एक सामान दो एक सामान लो। आप गांव में कभी देखे होंगे मलाई बर्फ खाए हैं, ठीक है, कुल्फी वगैरह खाए हैं, तो क्या होता था, मकई वाला दे दो बाल दे दो और उसके बदले में मलाई बर्फ ले लो, तो एक वस्तु दे करके दूसरा वस्तु उसके बदले में ले लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो पहले वस्तु ऐसे खरीदा जाता था, लेकिन जानते हो इससे एक चीज में दिक्कत हो जाता, किसी भी सामान का दाम सही से पता नहीं चलता था। और इससे और भी परेशानी क्या होता था, मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है दूसरे जगह रहने, तो आपके पास जो भी संपत्ति है अभी के हिसाब से तो बेच के पैसा लेके चले जाएगा, बैंक में डलवा के उतना भारी नहीं लगेगा, लेकिन पहले के हिसाब से अगर ये संपत्ति किसी को आप दे रहे हैं तो उसके बदले में उतना ही भारी संपत्ति आपको देगा, तो फिर आप क्या लेके जाइएगा, आप तो दे हल्का करने के लिए काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती थी पहले वस्तु विनिमय, धीरे धीरे वो क्या हो गया, मुद्रा बन गया, पैसा बन गया। आज हम लोग किसी भी चीज़ का कीमत लगा देते हैं, पहले किसी चीज़ का कीमत नहीं लगा देते। मान लो कि आपको जाना है गाड़ी खरीदने, क्या कहिएगा, हम एक काम करें 10 क्विंटल गाड़ी है, 10 किलो मकई दे दे रहे हैं, 10 क्विंटल का गाड़ी दे दो, गाड़ी नहीं गाली सॉरी गाड़ी, ठीक है। यहाँ देखिए तो पहले दिक्कत होता था वस्तु विनिमय में, अब दिक्कत नहीं होता है क्योंकि अब पैसा से वस्तु को खरीद लेते हैं। अब देखिए इस पैसा को रखते कहाँ, आज तो पैसों से अब नहीं खरीदा जा रहा है, सीधे चेक काट के दे दो, अब तो चेक भी नहीं कोई लेके घूम रहा है, मोबाइल से ट्रांसफर कर दो। तो यही सब पढ़ना है कि भाई पैसा भी डेवलप किया, आगे बढ़ा है, पैसा अब नहीं रहा, अब तो अलग अलग कोर बैंकिंग हो गया। अब कहेगा सर ये कोर बैंकिंग क्या होता है, बता रहे हैं, आप मान लीजिए कि दूसरे जगह हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो कोर बैंकिंग का मतलब होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देना, कोर बैंकिंग कहलाता है, समझ में है। तो यही है, तो आजकल इतना सुविधा हो गया, पैसा भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। बैंकिंग प्रणाली, चेक द्वारा जो पैसा, चेक द्वारा जो आप सामान खरीदते हैं उसे बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, जिसमें कोर बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। दूर स्थित जो भी व्यक्ति हो खाते में से खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, इसे कोर बैंकिंग, ये दो बार क्वेश्चन पूछा है, टिक कर लीजिएगा। एटीएम क्या होता है, एटीएम स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये होता है। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिससे आप कोई भी चीज़ों को आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का कार्ड, इसी में इसी को कहते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, वही प्लास्टिक का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है ना प्लास्टिक का कार्ड है, इससे आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है आपके देश में कितना पैसा का कमाई होता है, किससे किससे होता है, तो सुनो ध्यान से, आपके देश में जो जो काम होता है, जितना भी कार्य होता है, उस कार्य के बदले जितना पैसा बना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। हर प्रकार का तीनों क्षेत्रों से, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, तीनों क्षेत्र है ना, तीनों क्षेत्रों से आपके देश में जो भी पैसा का कमाई होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। और आपका देश जिन जिन चीज़ों से पैसा कमाता है उसे आधारित संरचना कहते हैं। जैसे रेलवे से पैसा कमाता है आपका देश, इसका मतलब अपना देश रेलवे पर भी टिका हुआ है, बैंक से कमाता है, अस्पताल से कमाता है, शिक्षा से पैसा कमाता है, तो जितने चीज़ों से कमाता है, ठीक है, तो अपने देश को चलाने के लिए सब हेल्प कर रहा है ना, तो ये देश का आधार है, इसीलिए इसे आधारित संरचना। कोई पूछेगा आधारित संरचना क्या है, तो हमारा देश, देश के वो जो क्षेत्र पैसा देता है उसे आधारित संरचना कहते हैं, जैसे कि रेलवे, डाक, ये सब चीज़ें। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो जो पैसा मिल जाता है ना, तो कितना पैसा हुआ वो पैसा के काउंटिंग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति क्या है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो देखिए प्रति व्यक्ति का मतलब पूरे देश में एक आदमी कितना कमा रहा है, एक आदमी का कमाई कितना होना चाहिए, तो सुनो ध्यान से, पूरे देश में कितना रुपया है वो, पहले एक चीज़ हमको बताइए, पूरे देश में पैसा एक जगह कर दीजिए, आप पूरे देश के लोग एक जगह कर दीजिए, दोनों में ज़्यादा कौन होगा, पैसा ज़्यादा होगा, क्योंकि एक आदमी जाहिर सी बात है भाई 10,000-12,000 कमा रहे होंगे, जरूर कमा रहे होंगे, ठीक है। तो पूरे देश की, देश के मुद्रा को यानी पैसा को ऊपर और देश की जनसंख्या को नीचे अगर भाग कर दीजिएगा दोनों को, तो क्या मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय मिलेगा, यानी कि पूरे देश की आय बट्टा देश की जनसंख्या। यहाँ देखिए अभी भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, 28,000 प्रति व्यक्ति है, यानी पर साल मात्र एक व्यक्ति का आय निकाला गया था ना, ठीक है। अब मतलब हमारे बाबूजी तो एक महीना में 28 कमा रहे हैं, आपके पापा जी से मतलब नहीं है, आपके पापा जी से मतलब ये है, प्रति व्यक्ति का मतलब होता है कि एक परिवार में कितना लोग हैं। तो मान लीजिए आपके परिवार में 6 लोग हैं, तो 6 लोग आपके पापा जी कमा रहे हैं 28,000, तो उस तरह नहीं, हर व्यक्ति कमाना चाहिए, तो 28,000 को 6 जगह बांट दो, तो एक आदमी कितना कमाया, एक आदमी कितना हैंड में पैसा रहा है, हर व्यक्ति, छोटा बच्चा का भी प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, इसीलिए पापा जी जो कमाएंगे उनको बांट देना है, ठीक है, पूरा बराबर लोगों को, एक एक आदमी पर पैसा कितना आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ें हैं।
पंजाब का प्रति व्यक्ति आय 26,000 है और बिहार का मात्र 5,700 रुपया है। आप देख सकते हैं, आप अगर परिवार में 5 आदमी है तो अपने पापा के पैसा को 5 आदमी में बांट दीजिएगा, पता चल जाएगा एक आदमी को कितना पैसा मिला। ठीक है, तो सबका तो हाल नहीं होगा, आपके पापा तो कुछ ठीक ठाक कमा रहे हैं, जिसके साफे नहीं कमा रहे हैं वो तो खत्म है ना। ठीक है, ये दिक्कत है। अब मानव विकास सूचकांक, मानव विकास कर रहा है, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं ना, लेकिन कैसे पता चलेगा? सिर्फ रुपया आ जाने से हम लोग आगे हो जाएंगे? ये भी गलत है। मान लीजिए कि हम करोड़ों कमा रहे हैं और रोज तबीयत खराब कर रहा है, तो हम भाई मानव विकास नहीं कर रहा है। हम खूब स्वस्थ हैं, एक रुपया नहीं है, मानव विकास नहीं कर रहा है। आपके पास सब कुछ होना चाहिए, पैसा, स्वास्थ्य, जिंदगी जीने का अवसर, मैंने जी सकते हो, तो इसी को मानव विकास करते। ये तीनों चीज जिसके पास होगा तो समझ जाओ कि मानव विकास सूचकांक में वो बहुत बढ़िया है। तो भारत मानव विकास सूचकांक में 126 नंबर पे है। बाप रे बाप, 126 नंबर पे है। और एक नंबर पे सबसे अच्छा मानव कहाँ के डेवलप किए हैं? नॉर्वे के। नॉर्वे के जो मानव है, नॉर्वे एक देश है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों ऊपर वाले, एशिया के ऊपर वाले पार्ट में आता है। ठीक है, एशिया यूरोप दोनों के बीच वाला आता है। ठीक, नॉर्वे एक नंबर पे है और भारत 126 नंबर पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मानव विकास सूचकांक, ठीक है, या मानव विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये चलाया गया। और ये कार्यक्रम किसके द्वारा चल रहा था? महबूब उल हक बोले थे कि हम चेक करेंगे कि मानव विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन देश कितना नंबर पे है। पहली बार महबूबा, याद रखो, महबूबा चेक करेंगी। ठीक है, और ये कौन सी संस्था बनाए? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, महबूब उल हक द्वारा के निर्देशन पर यह बनाया गया था। तो भारत का पहली बार चेक किया कि भारत कौन नंबर पे है, तो ये चेक किया गया था 2002 में। ठीक है, दो में जब चेक किया गया, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्होंने दिखाया कि बाप रे, भारत 126 नंबर पे है। ठीक है, बहुत पीछे है, जिसमें सबसे बीमारू माने खुद बीमार है, गरीब राज्य है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, ये बहुत गरीब राज्य है। ठीक है, ये बताया गया था। उसके बाद से एट लास्ट टॉपिक यहाँ समझ सकते हैं, 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड एक दूसरे से अलग हो गया और हम लोग अलग हो गए, और सारी संपत्ति जो नीचे से खोद के निकाली जाती थी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, वो चला गया झारखंड में, हम लोग बिहार हो गए कंगाल। अभी वहाँ राजनीतिक होता है, विकास नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर आगे नरेगा। नरेगा जब देखे सरकार, जब देखे कि यार राज्य देश विकास नहीं कर रहा है, तो अपने तरफ से उन्होंने नौकरी दिया, मात्र 100 दिन काम कीजिए और 100 दिन का अपना पैसा लिया था। 100 दिन के कार्यक्रम को क्या बोला जाता है? नरेगा बोला जाता है। क्या कहा जाता है? नरेगा। अभी इसका नाम बदल के मनरेगा हो गया है। क्या हो गया? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको अर्थव्यवस्था समझ में आया होगा। तो आप बताइए कि बकरी कौन से क्षेत्र में आएगी, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय? तो आपको बताए थे भगवान द्वारा जो चीजें बनाती है प्राथमिक, इंसान जो बनाता है वो द्वितीय, और सेवा क्षेत्र का मतलब तो जानते ही हो, बैंकिंग वगैरह जो सारी सेवा कर दे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेसन में। तो बिना देर किए हम लोग अगला लेसन देखते हैं। बहुत ही शानदार सेशन, ये पूरा का पूरा लेसन मैराथन के माध्यम से आपको कंप्लीट कराया जाएगा बाबू, और आपका नंबर टॉप ऑफ द बेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए इतना ही दूर में ये सेकंड लेसन कंप्लीट है। एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए, कुछ दिन सब दिमाग से निकालिए, एक बार पूरा मैराथन को देखिए, और मैराथन को देखने के बाद जो इसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव अपलोड हो रहा है, देखते हैं कितना सही करते हैं। आई गारंटी कि उसमें आप 100 में 95-97 क्वेश्चन आपका सही होगा। अगर किसी का 50-55 भी हो रहा है तो भी डरेंगे नहीं, एक बार और वीडियो देख करके फिर टिक मारो, आई गारंटी 95 बजेगा। मेहनत इसी बार करना है तो वो इसी बार करना है तो इसी बार रंग जरूर लाएगा बाबू, ये मेरी गारंटी है आपको। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने गुरुजी के लिए, और फिर हम लोग यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए, राष्ट्र और राष्ट्र की आय, आप जानते हैं राष्ट्र का मतलब देश होता है, और देश की आय यानी देश की कमाई कैसे बढ़ता है? मोदी जी सड़क बनवा दे रहे हैं, नाला बन रहा है, मुख्यमंत्री ये योजना, फलाना योजना, ढेमकाना योजना, ये सब तो देख ही रहे हो। आखिरकार ये राष्ट्र की आय यानी कि देश की कमाई आती कहाँ से है? तो सुनिए, पूरे देश की आय निकालने का क्या तरीका है, पहले तो पता ये करना पड़ेगा कि हमारे देश की आय निकलता कितना है। तो सब आदमी के कमाई को देखा जाता है, मेरी कमाई, मेरे घर पे जितने लोग हैं सब की कमाई को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद से वही कहता है कि वही एक राष्ट्रीय आया। लेकिन कहेगा सर सिर्फ पैसा को जोड़ा जाता है, अरे नहीं, मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा कुम्हार है और मटका बना रहा है, वो भी तो मेहनत कर रहा है ना, और कोई ऑफिस में काम कर रहा है वो भी तो मेहनत कर रहा है ना, तो उसके मेहनत को जोड़ा जाता है। जैसे कि इसके जो भी सामान बनाएगा वो चीजें ले लो, और जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके पैसे को ले लो, सबको जोड़ा जाता है, और वो जो रुपया बनता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहां ध्यान से समझिएगा, राष्ट्र और राष्ट्र की आय कैसे निकलता है? तो आय, आय किसे कहते हैं? कमाई। हम जो काम शरीर से करते हैं या दिमाग से करते हैं, दिमाग से काम होता है ना जी, जितना भी ऑफिस वर्क होता है
दिमाग लगाना पड़ता है, और उस काम के बदले जो हमें परिश्रमिक मिलता है, पैसा मिलता है, उसी पैसा को हम लोग कमाई या आय कहते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या जानना है, काम करने के बाद जो पैसा मिलता है उसे कमाई कहते हैं। यहाँ देखिए बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम है। देखिए यहाँ पर 41.4% लगभग माना जाता है, कहीं 6 भी लिखा जाता है, आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। एगो गरीबी रेखा लेवल हो गया, ठीक है, उसके नीचे रहती है कितना 41.4% आबादी, लगभग 41% लोग यहाँ पूरा का पूरा गरीब है, ठीक है। इसीलिए रेगनर ने कहा था कि पता है बिहार के लोग रेंगते रहते हैं, मैंने बहुत गरीब हैं, यानी गरीबी के एक कुचक्र में फंस गए हैं। तो रेगनर ने क्या कहा था, गरीबी एक कुचक्र है, हमेशा ये गरीबी चलते रहेगा। कैसे, मान लीजिए कि आप कोई सामान बनाए कम दाम में बेचा है, फिर तो कम दाम में बेचेंगे तो कम ही ना पैसा आया, तो फिर कम सामान उत्पादन होगा, फिर कम सामान उत्पादन होगा, फिर कम में बेचाएगा, ये हमेशा चक्र घूमते रहता है। इसे गरीबी को जन्म दिया, नहीं तो गरीबी एक कुचक्र है, रेगनर ने कहा था, ठीक। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय भारत में कहाँ है, अगर बात करें पूरे राज्य को मिला दो और केंद्र शासित प्रदेश इस सब को मिला दीजिए, तब देखा जाए कि किस इलाका का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो सबसे ज्यादा है चंडीगढ़ का, 70,361 प्रति व्यक्ति आय है पर ईयर, नहीं पर साल, एक आदमी 70,361 रुपया कमाता है इस पूरे भारत के प्रति व्यक्ति आय में, सिर्फ कहाँ पे, चंडीगढ़ में। यहाँ देखिए गोवा का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 54,850, और इससे कम दिल्ली का है, क्योंकि गोवा छोटा है, मात्र 2 जिला है, ठीक है। और यहाँ दिल्ली का है 50,565 प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो आपको भी बताया था राष्ट्रीय आय कि एक वर्ष में जितने वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो वस्तु बनाने वाले हैं वस्तु बनाएंगे, या जो नौकरी करने वाले हैं वो सेवा करेंगे, इस सब के मौद्रिक रूप, इस सब द्वारा जो पैसा मिलता है, इसी पैसा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। पूरे एक साल में जितने वस्तु बने और जितना नौकरी से पैसा है सबको जोड़ दो तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर केन ने एक छोटा सा एक मान ले फॉर्मूला दिया था, वाई बराबर सी आई, तो डायरेक्टली पूछ दिया है कि वाई बराबर सी प्लस आई, ये किसने दिया था फॉर्मूला, प्रोफेसर केन्स ने दिया था। कि अगर और भी अच्छा से देखना होगी, क्या हमारे देश में जो भी कंपनी सामान उत्पादित करता है बनाता है उससे जो कमाई होता है सब हमारे देश का ही होता है, तो नहीं बाबू ऐसा नहीं होता है। सपोज मान लीजिए कि विदेश की कोई एलजी कंपनी आई और ये एलजी कंपनी आने के बाद अपना प्रोडक्ट बनाएगी तो सब पैसा आपको थोड़े देगी, आपको सिर्फ टैक्स देगी, और सारा पैसा जहाँ की एलजी कंपनी है वो अपने देश में दे देगी, ऐसा बात है कि नहीं। तो फिर कहेगा सर तो फिर हमको फायदा क्या है इससे, तो फायदा है इससे सिर्फ ये पता चलता है, ठीक है, जितना आपके देश में कंपनी है आपको सिर्फ टैक्स मिलेगा, उसका कमाई नहीं मिलेगा। फायदा ये है कि आपके देश में उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा है, जिसके यहाँ जमीन रहेगा वही ना कुछ बन पाएगा जी, ठीक है। इससे पता चलता है कि अगर ये कंपनी हट जाए तो हम अपना भी कंपनी यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि मेरा जमीन है। तो सिर्फ इससे पता चलता है कि उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा है, इसी को GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। किसे कहते हैं GDP, आपके देश में, ठीक है, राजनीतिक सीमा के अंदर आपके देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती है, जितना भी चीज़ बनता है सामान, चाइना वाइना का हर प्रोडक्ट अगर यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ बनाने की और जगह है भाई इंडिया में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं GDP, यानी इस देश की GDP बहुत अच्छी है। GDP माने उपजाने की क्षमता, बनाने की क्षमता, यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसी को GDP कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं देश में एक वर्ष में कुल उत्पादित सेवा और वस्तुओं को क्या कहते हैं हम लोग, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जितना उत्पादन हो रहा है और जितना सेवा हो रहा है, माने सेवा द्वारा पैसा आ रहा है, इस सब को अगर पैसा में बदल दो तो उसे कहते हैं हम लोग कुल राष्ट्रीय आय। कुल राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया, टोटल राष्ट्र का आय होना चाहिए। अब LG कंपनी जितना भी पैसा प्रोडक्ट बनाएगी और बेचेगी तो हमारा नहीं है, तो जब हमारा नहीं है तो वो चला जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। हमारा जो पैसा बच जाए, जैसे टाटा की कंपनी अपने यहाँ की है, वो हमारे यहाँ ही पैसा रह जाएगा, तो वो कंपनी राष्ट्रीय आय में जुट जाएगा उसका पैसा। उसके बाद से कोई अगर विदेश आदमी कमा रहा है तो वो कमा के इंडिया में पैसा भेजेगा तो वो भी कहाँ जुट जाएगा, राष्ट्रीय आय में जुट जाएगा, ठीक है। तो ये देश का पैसा, अपना पर्सनल पैसा जो देश में आता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, अब कहिएगा सर ये क्या होता है, तो सुनिए ना ये भी बहुत आसान है। शुद्ध राष्ट्रीय आय का मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, ठीक है। कोई मान लीजिए सामान बना रहे हैं 70 रुपये में खर्चा लगा, कितना रुपया लगा 70 रुपया, आप उसको बेच रहे हैं 100 रुपया में, कितना रुपया बेच रहे हैं 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो आप बताइए कि आपको 30 रुपया फायदा हुआ, तो यही 30 रुपया शुद्ध कमाई है, क्योंकि 70 तो अपने लगाए, तो पूरे जितना भी बेचे हैं उसमें से अगर खर्च को निकाल देते हैं, टोटल आय में से खर्च को निकाल देना, शुद्ध आय यानी शुद्ध कमाई कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, समझ गया। इसके लिए फिर बहुत बहुत विद्वानों ने सोचा कि चलते हैं हम भारत का प्रति व्यक्ति आय निकालें, माने कि सब जनसंख्या को जोड़ दे रहे हैं और सब आदमी के कमाई को जोड़ दे रहे हैं, ताकि पता चले कि एक आदमी कितना रुपया कमाते हैं, इसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 में दिया था
कह रहे थे पूरे भारत में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आए है। स्वतंत्रता के पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था 20 रुपये प्रति व्यक्ति आए। उसके बाद से दूसरा आया तो बोले कि बाप रे बाप, बुढ़ऊ तो ढेरे कम बताए, चलते हैं हम भी देखने। तो एक व्यक्ति थे जो 25 से लेकर 29 के बीच में 4 साल का प्रति व्यक्ति आय निकाले थे, जिनका नाम था डॉक्टर वी के आर वी राव। क्या नाम था इनका? वी के आर वी राव। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा था बाबू एग्जाम में कि डॉक्टर वी के आर वी राय द्वारा प्रति व्यक्ति आय कब निकाला गया था, तो 25 से 29। याद कैसे रखिएगा, ये तो याद है, बार बार भी लिख दीजिए ना, भी सबसे अच्छा, भी ऐसे खींच करके यहाँ के बना सकते हैं, भी के ऐसे करके इसे आर बना सकते हैं, भी के आर राव हो जाएगा कि नहीं, तो भी याद रखिएगा, तो भी के आर राव सब याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से 1948 और 49 में स्वतंत्रता के बाद आज़ादी हो गया ना, ये आज़ादी के पहले की बातें हैं। आज़ादी के बाद पहली बार 47 में आज़ादी हुई, उसके बाद से 48 में प्रति व्यक्ति आय निकाला गया, तो एक आदमी का कमाई 246.09 रुपया था, 90 पैसा समझ सकते हो, 90 पैसा था। यानी ये प्रति व्यक्ति आय कब का है? 48 से 49 के बीच में। किसने निकाला था? इसके अध्यक्ष थे पीसी महान लोविस। इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सांख्यिकी का पिता कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए CSO, अब देखो ना कितना लोग प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं, सब कोई भारत के बारे में बता रहा है कि इतना कमाई हो रहा है, उतना कमाई हो रहा है, तो सरकार बोला कि सुनो, किसी का प्रति व्यक्ति आय हम बाबू नहीं मानेंगे, हम अपना पर्सनल प्रति व्यक्ति आय देंगे, उसी को सब कोई मानेगा। उसके लिए एगो ऑफिस बनाएंगे और उस ऑफिस में नौकरी लोगों को देंगे, वही लोग जाकर के प्रति व्यक्ति आय पता करेंगे, ठीक, निकालेंगे। तो उसे कहते हैं CAO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। ये गठन हुआ था कब? 1951 में, लेकिन आपकी किताब में के अनुसार ये 1954 को बोल रहा है कि इसके द्वारा निकाला गया था, लेकिन इसका गठन 1951 में CSO का हुआ था। और ये क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इतना समझ गए? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? पूरे राष्ट्र की कमाई में जनसंख्या से टोटल देश की जनसंख्या में भाग कर दो तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। अब बात करते हैं कि विश्व विकास रिपोर्ट, पूरा एक रिपोर्ट तैयार करता है सभी देशों के बारे में कि कौन देश कितना अमीर है, तो उसमें पता है प्रति व्यक्ति आय भारत का कितना था? $950 था, सोचिए मात्र 950। और अमेरिका के यहाँ देखिए $46,040 है, कहाँ 950, कहाँ 46,040, ऐसे ही बहुत आगे लोग देश हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। राष्ट्रीय आय की गणना, अब मामला ये फंसता है कि राष्ट्रीय आय हम लोग गिनने जाते हैं तो कैसे गिनेंगे? तो मान लीजिए कि दुनिया में, इस पूरे भारत में बहुत प्रकार का सामान बन रहा है, चीनी, चाय पत्ती, हर चीज़ जो दुनिया में दिख रहा है हम लोग खरीदते हैं, तो सब का रेट अलग अलग है कि नहीं? तो दुनिया में तो करोड़ों सामान बनता है, तो ये सब सामानों का लिस्ट बनता है, आई कौ रुपया किलो है ये भी बनता है, और तब इस सबको जोड़ करके और पता चलता है कि हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ है। बाप रे, बहुत कठिनाई है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय आय को गिनने में क्या कठिनाई आती है, तो भाई सबसे पहले इसको काउंटिंग करने में ही परेशानी आती है। हो सकता है कि कहीं दोबारा एगो गिना जाए, मान लो कि सब लिस्ट बना दिए, फिर दोबारा कहीं चीनी वनी लिखा जाए कि इतना चीनियों को, तो चीनी भी तो यहाँ बनता है, ठीक है, तो दोहरी गणना की भी संभावना हो जाती है। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन गणना विधि, जो उत्पादन हो रहा है, जो जो चीज़ें उसका लिस्ट बनता है, कितना रुपया भाव है वो तय होता है, फिर उसका आय कौ रुपया किलो है, सब पैसा को जोड़ाता है, तो कितना हजार यहाँ पे सामान बनता है, तो सबका दाम लिखो, सबको जोड़ो, बहुत समय लगता है। तो यही राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ होती है, जैसे आंकड़े को एकत्र नहीं कर पाते हैं, सब चीज़ याद नहीं आता है कि कौन कौन सामान छूट रहा है। मान लो कि छूट गया, समझ कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आप एक छोटा सा चीज़, मान लीजिए मार्कर अगर इंडिया में तो कहीं छूट गया तब, क्योंकि ये भी तो यहाँ का उत्पादन है ना, तो ये चीज़ होता है। तो ये आंकड़ा को एकत्र करने में कठिनाई हो सकता है, कब दोबारा गिना जाए तो दोहरी गणना की संभावना, हो सकता है कि मूल्य को मापने में कठिनाई, कौन किसका कितना रुपया दाम होना चाहिए, इसमें भी कठिनाई, तो ये राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट में बताइए कि स्वतंत्रता के पहले पहली बार वो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय दिया था, ठीक है, इसको अब बताइए, और कितना रुपया दिया था, ये भी आपको बताना है। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं। तो इस बार आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट लाना है, तो उसी तरह शानदार मेहनत भी करना है। ज्ञापन एकेडमी और आपके अमित सर आपके साथ हमेशा हैं, हर एक स्टेप पर आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग सेशन को लेट नहीं करें और सेशन को चालू रखें, ताकि आप बस इसको देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, याद हो जाएगा। एक मैराथन वीडियो पूरा का पूरा अर्थ शास्त्र का ब्रह्मास्त्र चल रहा है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चल रहा है अर्थशास्त्र का ब्रह्मास्त्र, एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट, बहुत ही शानदार तरीका से। तो फिर हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। यहां देखिए,
मुद्रा पैसा मनी इज एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा के आने के वजह से इस दुनिया का विकास हुआ है। अगर पैसा नहीं रहता ना तो ये दुनिया इतना डेवलप नहीं होता। यानी मनी इज एवरीथिंग, पैसा सब कुछ होता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से उनके औकात पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मुद्रा, फिर मुद्रा को बचाना भी जरूरी है, और बाद में मुद्रा डेवलप होकर साख बन गया। साख मतलब चेक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्वास कहते हैं, याद रखिएगा। विश्वास किसे कहते हैं, साख को कहते हैं। आपको पता होना चाहिए किसी भी कागज पर पैसा 40,000 50,000 लिख देने से वो चेक नहीं होता है, क्योंकि उस पर एक गवर्नमेंट का हर चीज लिखा रहता है। यानी कि वो लिखा हुआ ही एक विश्वास है, गवर्नमेंट के विश्वास पर पैसा चल रहा है। बताइए 500 और 1,000 का नोट जो बंद हुआ था, गवर्नमेंट ने एक बार आके अनाउंसमेंट कर दिया कि हम इसको नहीं मानते, अपना विश्वास हटा दिया, 500 और 1,000 रुपए का वैल्यू रद्दी बराबर हो गया। ठीक है, यानी साख का मतलब होता है चेक, हुंडी, पैसा। ठीक है, यहां देखिए मार्शल ने पता है क्या कहा था मुद्रा को, कि आधुनिक युग, ये जो नया जमाना है ना, ये जितना भी विकास कर रहा है उसका सबका जड़ एक ही तो है, पैसा। पैसे की वजह से, यानी आधुनिक युग यहाँ पे लिख रहा है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। और मुद्रा एक धुरी है, ये भी किसने कहा है, मार्शल ने ही कहा है कि मुद्रा धुरी है, याद रखिएगा। उसके आगे वाला सेंटेंस भी पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रस्ट कॉट, ट्रस्ट कॉट ने क्या क्या कहा है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय तो नहीं लेकिन रक्त जरूर है। मुद्रा जो है ना हमारा हॉट नहीं है लेकिन हमारा रक्त है। जैसे सुनिएगा, हॉट को निकाल दीजिएगा तो मर जाएंगे, वैसे ही मुद्रा नहीं रहेगा तो मरेंगे नहीं। जिस तरह ब्लड रहता है कम हो जाता है तो थोड़ा तकलीफ होता है ना, उसी तरह पैसा कम हो जाएगा तो तकलीफ होगा। इसीलिए मुद्रा को किससे तुलना किया गया है, ब्लड से तुलना किया है। हॉट नहीं, ब्लड जरूर है, रक्त जरूर है, किसने कहा है, ट्रस्ट कॉट, बहुत अच्छी बात बोले हैं। ठीक है, मुद्रा विनिमय के दो माध्यम, विनिमय माने होता है लेन देन। आप दुकानदार के पास जाते हैं तो कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं, लेकिन देते क्या हैं, आप देते हैं पैसा तो उसके बदले में देता है सामान, इसी को कहते हैं विनिमय। ठीक है, वस्तु का लेन देन करना विनिमय कहलाता है। अब लेन देन दो तरीका से होता है। पहले के जमाने में देखना, जब मलाई बर्फ आता था ना तो हम लोग जाके बाल लेके दौड़ जाते थे, बाल समझते ना, हो रहा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, भुट्टा भी बोलते हैं, बाल लेके दौड़ जाएंगे और दो को देंगे तो वो हमको एक मलाई बर्फ दे देता है, आइसक्रीम देता था, ऐसा होता था ना। तो इसे कहते हैं एक सामान ले करके दूसरा सामान ले लेना, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु का आदान प्रदान करना। लेकिन अब आदान प्रदान बहुत कम हो गया है, अब मुद्रा विनिमय हो गया है। कैसे, मुद्रा दीजिए वस्तु लीजिए। तो दो तरीका से लेन देन हुआ, एक हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली और एक हुआ मुद्रा विनिमय प्रणाली। यहाँ देखिए मुद्रा का विकास जब हुआ, जब पैसा का निर्माण हुआ, पहले तो लेन देन ही चलता था। ठीक है, हमारे यहाँ एक होता था, सुनिए ना, हमारे यहाँ चावल है, चावल है तो आप तो नहीं, आटा हमको दे दीजिए, हमसे चावल ले लीजिए। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें परेशानी भी है, अगर वो कह दे कि ना हमारा चावल ना चाहिए तब का हो जाएगा। ठीक, तो इसमें परेशानी होता है कि भाई जिसको जरूरत है वो सामान नहीं मिलने पर दूसरा सामान वो नहीं दे पाता है, तो विनिमय में। लेकिन आज पैसा हो गया है, कोई भी सामान लीजिए, पैसा बस दे दीजिए, वो मिल जाएगा। तो ये परेशानी भी पहले होता था। ठीक है, मुद्रा का विकास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, ये एक याद रखेंगे। वस्तु विनिमय में क्या करने है, कठिनाई आती थी, लेन देन में क्या कठिनाई है। अब ये तो बताएं कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि चावल चाहिए, हमारे पास दाल है, और आपके पास मान लीजिए चीनी चाहिए, समझिएगा ध्यान से, तो हम चीनी चाहिए और आपके पास पता है क्या है, चावल है, तो आप क्या कीजिएगा, हमको तो चावल चाहिए, मैं क्योंकि मेरे पास दाल है, तो हम आपको कहेंगे कि मेरा थोड़ा सा दाल ले दिया, चावल ले दिया, तो आप कहेगा क्या, नहीं सर हमको तो चीनी चाहिए था ना। ठीक है, तो हमको चीनी दीजिएगा तब ना। यानी जो जरूरत पड़ता है वो सामने वाले को मिल नहीं पाता, इसलिए वो सामान अपना नहीं दे पाता है। यहाँ देखिए आवश्यकता, वस्तु विनिमय में कठिनाई करते हैं, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए मूल्य के सामान्य मापक, हम लोग मूल्य को माप भी नहीं सकते हैं, किसी भी सामान को दाम नहीं लगा सकते हैं। जैसे आपको हम थोड़ा देर के लिए बोल दें, कुछ देर के लिए हम आपको एक पाव, अब जो भी होता है एक पाव कोई सामान देते हैं, उसके बदले में आप हमको कितना सामान दीजिएगा, इसका रेट नहीं पता चलता था, तो ये यहाँ पे कठिनाइयाँ होती थी। मूल्य संचयन का अभाव, कोई कोई सामान ऐसा था जिसको संचय माने इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ देर के लिए मान लीजिए कि चावल हो गया या धान हो गया, धाने को ले लेते हैं तो धान बहुत दिन तक रह सकता है। ठीक, लेकिन किसी के पास अगर आलू है तो आलू ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, गोभी है तो गोभी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। तो ये ज़्यादा दिन तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको संचित करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये संचय का अभाव हो जाएगा। सहविभाजन का अभाव, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं किसी किसी के पास जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता है, विभाजन करने पर सड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 किलो अनाज है तो 5 किलो किसी को आधा दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि उसके पास अगर गाय है,
क्या है गाय, तो वो आधा काट करके किसको देगी? अगर मान लीजिए कि कुछ सब बकरी आधा काट के देगी, तो ये काटने विभाजन करने में कुछ वस्तुओं को परेशानी होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, भविष्य में भुगतान की कठिनाइयाँ होंगी, स्थानांतरण में कठिनाइयाँ होंगी। अगर मान लीजिए कि आप घर द्वार छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं, बाहर बसना चाहते हैं, तो पहले दिक्कत होता था कि मान लीजिए इतना संपत्ति छोड़ के जाइएगा तो किसी को अगर दे के जाएंगे तो बेचेंगे कैसे। जैसे ही इतना संपत्ति दीजिएगा तो उसके बदले में आपको फिर इतना संपत्ति दे देगा, लाद के ले जाइएगा। लेकिन अब क्या है, सब संपत्ति बेचिए, पैसा अकाउंट में डालिए, खा लिए चले जाइए, ठीक है। तो पहले ऐसा होता, हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह जाने में कठिनाइयाँ होती थी, ठीक है। क्राउथर ने कहा था, ठीक है, पता है पैसा क्या है, यहाँ देखो, कर जिस तरह यंत्र शास्त्र में, यंत्र शास्त्र माने बहुत सारा बंदूक बंदूक बहुत सारा चलाया जाता है, पहले धनुष तीर सब कुछ होता था ना, तो यंत्र शास्त्र में सबसे महान था चक्र, विष्णु भगवान वाला चक्र जो सबसे खतरनाक था। जिस तरह राजनीतिक में वैल्यू है मत का, वोट का, राजनीति में कितनों नेता खड़ा हो जाए लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है, वोट जो देने वाला होता है उसका होता है, ठीक है। विज्ञान में अग्नि का, विज्ञान जितना भी प्रैक्टिकल होता है उसमें आग की जरूरत पड़ती है, आग का, ठीक है। स्थान है, उसी तरह मानव के जीवन में पैसा का स्थान है, बिना पैसा का जिंदगी अधूरा हो गया है आजकल, ठीक है। आजकल वाइफ इज लाइफ नहीं, मनी इज लाइफ हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, मनुष्य के आविष्कारों में मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना गया है, ये भी किसने कहा है, क्राउथर ने कहा है। तो ये देखिए, यंत्र शास्त्र वाला, राजनीति का मत, ये सब जो भी पूछेगा तो ये भी क्राउथर, ठीक। और मनुष्य का आविष्कार का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मुद्रा माना जाता है, ये भी क्राउथर, ये दोनों क्राउथर बोले। अब आते हैं विश्व मुद्रा, कहाँ पे क्या पैसा को बोला जाता है, तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल, ये तीनों पास में है ना, तो तीनों में रुपया बोला जाता है, मुद्रा को क्या बोला जाता है, रुपया में नापा जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अमेरिका और सिंगापुर, ये दो जो देश हैं, ठीक है, इनमें पैसा को डॉलर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डॉलर। उसके पास रूस में रूबल, ये तो आसान से आ जाएगा, रूस रूबल, ठीक है। इंग्लैंड में पाउंड बोला जाता है, क्यों, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से इतना लूट के ले गए, पाव मतलब होता है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम किसी के पास नहीं था, तो इंग्लैंड में पाव, याद रखिएगा, पाउंड होता है, ठीक है, अंग्रेज था। और स्वीडन में कोरोना, स्वीडन में क्या हो जाएगा, कोरोना, याद रखिएगा, स्वीडन में कोरोना, कोरोना पैसा को कोरोना बोला जाता है स्वीडन में। इराक में दिनार, ठीक है, और ईरान में रियाल, ठीक है, ईरान जाइएगा तो करियाल पैसा हो गया, और इराक जाइएगा तो दिनार हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो वहाँ चलता है टाका, क्या चलता है, टाका। उसके पास अफगानिस्तान में अफगानी याद रहेगा, तो आपको ये तीन को याद हो जाएगा, ऐसे दो पहले तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, रुपया, ये वाला दो जोड़ा याद कर लीजिए, अफगानिस्तान में अफगानी, बंगाल में टाका, ईरान और इराक, ये सब आपको याद होना चाहिए। मुद्रा के क्या कार्य है, मुद्रा के है चार काम, महान माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, समझे, समाचार समाप्त हुआ। यहाँ समझिए, मुद्रा पैसा के चार काम सबसे महान है, पहले है माध्यम, किसी भी चीज़ को लेन देन करने में सबसे आसान साधन पैसा है। मान लीजिए कुछ खरीदने जाते हैं तो उसके बदले में पैसा देते हैं, ऐसा नहीं ना, आप सामान देते हैं, तो सबसे पहला माध्यम हो गया पैसा, क्रय और विक्रय का साधन है। मापन, किसी भी सामान का दाम लगाते हैं, 70 रुपया लायक है तो दाम लगा दे रहे ना, पहले क्या होता था, हाई 2 किलो चावल लायक है, 2 किलो गेहूँ लायक है, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो अब मूल्य का मापन भी कर लेते हैं। उसके बाद से हस्तांतरण, आराम से एक जगह से दूसरी जगह सब बेच उच के जा सकते हैं पैसा लेकर के, पहले सामान ले जाना पड़ता था। संचय, आराम से अब पैसा को कुछ दिनों तक आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, लेकिन पहले जो वस्तु होता था उसको बहुत दिनों तक इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं, तो हम बचा के कुछ दिन तक रह सकते हैं आने वाले जनरेशन के लिए। भुगतान, जब भी किसी का पैसा बाकी हो जाता है तो आज मुद्रा के रूप में आप कुछ बाकी लगा है उसके बदले में आप पैसा दे सकते हैं। साख हो गया है, आजकल पैसा बदल के चेक हो गया है, सब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह हो गया है। यहाँ देखिए, गांधी जी का फोटो बनाया है, 200 रुपये का नोट बनाए हैं, ठीक, काहे लिए बनाए हैं आपको बता रहे हैं, कितना सुंदर गांधी जी हैं, और यहाँ 1 रुपये का कुछ नहीं मिलता है, पहले बहुत कुछ मिलता था, ठीक है, अब मेरा धान, चावल, गेहूँ सब कुछ मिलता था, इसलिए 1 रुपये के सिक्के पर धान, चावल, गेहूँ सब कुछ है। आज 1 रुपये में कुछ नहीं, ठेंगा मिलता है, ठीक है, इसलिए आज 1 रुपये के सिक्के पर ठेंगा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा पत्र मुद्रा चलाया गया था, पत्र मुद्रा, पैसा, नोट वगैरह, सुनिए ध्यान से, केंद्रीय सरकार वित्त विभाग द्वारा, केंद्रीय सरकार का एक वित्त विभाग है जो लोन वोन देती है, वो पता है क्या क्या चलाती है, जितना आपके यहाँ सिक्का आता है ना सब केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग चलाती है, और 1 रुपया का सिर्फ एक नोट, पहले के 1 रुपये का नोट भी आता था, वो कौन बना है, वित्त विभाग बना है। लेकिन अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस पर लिखा रहता है ना RBI, वो क्या क्या बनाती है, तो वो सभी नोट बनाती है, 1 रुपये का नोट इसमें गया, लेकिन RBI जो है सभी प्रकार के नोट बनाती है, 500, 1000, 20 रुपये, 50 रुपये, सब नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है सभी प्रकार का नोट। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड, जब आपका बैंक में अच्छा क्रेडिट रहता है तो आपको एक कार्ड देता है, ठीक है, उससे आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, उसमें उस पर लिखा रहेगा, वीसा भी रहेगा, ठीक है, मास्टर कार्ड भी बोला जाता है, अमेरिकन एक्सप्रेस भी बोला जाता है।
अब क्वेश्चन आता है सर बचत क्या होता है, अरे तो पैसा कैसे बचाते हैं, पूरे इनकम में जितना आप अपना खर्च है जिसको उपभोग कहते हैं, उपभोग माने इस पैसा को आप भोग लिए, खर्चा कर लिए, तो पूरे आय में से उपभोग को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जब माइनस कर दीजिएगा तो बच जाएगा, वही बचत है। साख माने होता है विश्वास। एट लास्ट जिड एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या कहा है, जिड बहुत जिद पर आ गए हैं। देखिए साख एक विनिमय कार्य है, ठीक है, विनिमय का कार्य करता है, याद रखिएगा, जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान के बाद पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, भुगतान के बाद पूरा हो जाता है, ये जीड ने कहा था। यहाँ एक रुपये में ठेंगा मिलता है, ये 200 रुपये का गांधी जी का नोट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने मुद्रा को तो पढ़ लिए, लेकिन ये पता है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है तो अपना पैसा नहीं लाके कहीं ना कहीं से लोन लेंगे ना, तो कहीं से कर्जा लेंगे, तो गाँव में अगर किसी से कर्जा ले लीजिएगा ना तो पटक के किडनी निकाल के बेच देगा, इतना ना बार बार मांगेगा, इतना ताना मारेगा, 50 बार द्वार पर दौड़ेगा, ठीक है। इसके लिए बैंकों की स्थापना की गई ताकि बैंक अगर लोन दे रहा है तो कम परसेंटेज ब्याज के दर से आपको पैसा दे देगा, इसी के लिए बैंकों की स्थापना की गई। इसको वित्तीय संस्था कहते हैं। वित्त माने होता है कर्ज, कर्ज देने वाली संस्था जो कम ब्याज पर कर्ज देती है। तो भारत में भाई वित्तीय कर्ज देने वाले दो पार्ट में तोड़ दिया गया, कैसे, एक होता है सरकारी, एक होता है गैर सरकारी। तो सरकारी में तो सभी बैंक आ जाएंगे, लेकिन गैर सरकारी में मतलब जो बैंक नहीं है, जैसे कि महाजन, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, इन लोगों से पैसा लोगे ना तो ये पटक के किडनी निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये गैर सरकारी है। यहाँ देखिए हमारी वित्तीय संस्थाएं आर्थिक विकास के लिए, अपना आर्थिक विकास के लिए, व्यापार व्यापार करने के लिए जो हमें वित्त देता है यानी कर्ज उपलब्ध कराता है, उसी को वित्तीय संस्था कहते हैं। यहाँ देखिए बिहार में वित्त कौन देता है, तो देखिए एक बार बनाया गया था बिस्कोरम, या देखिए बिस्कोरम जैसी सहकारिता कृषि क्षेत्र के लिए ऋण देता है। अब ये सहकारिता क्या होता है, तो बिस्कोरम एक बात समझ लो पहले, सहकारिता का मतलब होता है कुछ लोग अपना गुट बना लेते हैं और अपने में ही, जैसे कि आजीविका अभी चल रहा है ना, जीविका वाली दीदी लोग क्या कर रही है, दो दो दस दस बीस रुपये इकट्ठा कर रही है, और जिसको जरूरत पड़ रहा है वो क्या कर रहा है, उसमें से अपना पैसा निकाल रहा है, फिर 1% ब्याज के हिसाब से वापस कर दे रहा है। तो लोगों को ग्रुप बना के अपने आप में सहयोग कर लेना सहकारिता कहलाता है, स्वयं सहायता समूह कहलाता है, या आजीविका जीविका कहलाता है, क्या कहलाता है, जीविका। तो बिहार में बिस्कोरम एक जीविका सहकारिता चलता था, ठीक है। सभी वित्तीय संस्था जितना भी बैंक है, ये बैंक का कोई ना कोई हेड होगा ना, बैंकों का बैंक तो केंद्रीय आरबीआई बैंक है। कौन है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को, याद रखिएगा केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसमें पैसा जमा नहीं होता है, ये सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाता है, तू ऐसे नियम करो, तुम ऐसे फॉलो करो, तुम ऐसे जमा करोगे, सभी बैंकों के लिए नियम आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। याद रखिए बैंकों का बाप आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई, याद रख लीजिए। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, यानी कि 50 में एगो कम। चलिए यानी मैं यहाँ देखते हैं, देखिए सभी वित्तीय संस्था केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के निर्देशन पर काम करते हैं, जिसकी स्थापना 1935 में हुआ था, इसी के अनुसार काम करता है। जैसे कि सरकारी बैंक जो है, जो एसबीआई एक सरकारी बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई की स्थापना 1911 में, और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 या 95, कहीं आपकी किताब में दिया है 95, लेकिन गूगला से पूछिएगा तो ये वो कम ही बताता है, 94, ठीक है। तो पंजाब पंच याद रखिएगा, 95 भी पंच से होता है, आपको बता चुके हैं। ये सरकारी बैंक है, कौन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई हो जाता है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ देखिए अर्ध सरकारी कौन है, जिस पर सरकार का पूरा अधिकार नहीं है, लेकिन सारा नियम कानून कौन बनाएगा, सरकार ही बनाती है, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक होता है ना, ये सब ठीक है, लेकिन सरकार के नियमों से चलता है, ये अर्ध सरकारी है, पूरा सरकारी नहीं है। और एक होता है सूक्ष्म सरकारी, तो पूरा सरकार का होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें लोग अपना समूह बना के पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको जरूरत पड़े दे दे, अब उतनी बढ़ा के दे देगा, फिर जिसको जरूरत पड़े दे दे, ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसे स्वयंसेवी संस्था, सबसे पहले स्वयंसेवी संस्था बांग्लादेशी एक थे जिनका नाम था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इन्होंने अब संस्था बनाया था कि क्या बैंक के चक्कर में चलते चलते यार जूता घिस गया है पूरा का पूरा, एक काम करो ना अपने में ही एक बैंक टाइप का बना लो, ग्रुप टाइप का, सब लोग उसमें पैसा जमा करेंगे, बहुत पैसा हो जाएगा, जिसको जरूरत होगा वो ले जाएगा, और जब वापस करना होगा तो 1% ब्याज जोड़ के दे देगा, तो कुछ उसमें पैसा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आइडिया दिए थे।
वित्तीय संस्था के प्रकार, दो प्रकार का वित्तीय संस्था, एक राष्ट्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। आपके राज्य में जैसे आपके राज्य के जो भी मुख्यमंत्री है उनका संस्था अलग होगा कर्ज देने का, राष्ट्र का संस्था अलग होगा, लेकिन राष्ट्र से हम लोग कर्ज नहीं ले सकते हैं। अरे RBI से हम लोग कर्ज लेंगे जी, पता है इतना हमारी औकात नहीं है। और यही राज्य वाला जितना भी सब राज्य में अपने यहाँ बैंक है इससे हम लोग ले सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज ले सकते हैं, कई हज़ार करोड़ रुपया कर्ज लेना होता है, ठीक है, अंबानी वगैरह का बस का बात है, ठीक है। हम लोग तो 2-4-5 लाख वाले आदमी हैं ना जी। यहाँ देखिए, अब यहाँ बात करें कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो है कर्ज तो देती है, दो तरह का ये राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, दो राष्ट्र वाला की बात करें तो भारतीय मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार वो कम समय के लिए लोन देती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। और जो पूंजी है, पूंजी माने ज्यादा हो रहा है ना, तो ये लंबा समय के लिए लोन देती है, दीर्घकालीन लोन देती है। तो यहां से याद आएगा, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन के लिए कौन लोन देती है, तो सुनो यहाँ पे भूमि विकास बैंक भी देती है, ठीक है। आप बताइए क्या करती है, भूमि आपको गिरवी रख लेगी या उसके 10-15 साल के लिए दे देगी लोन, ठीक है, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इन्हें ना करेगा जमीन को कब्जिया लेंगे, ठीक है, कब्जा कर लेंगे। ये हो गया राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के दो पार्ट, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन कम समय के लिए ऋण, अब पूंजी बाजार ज्यादा समय के लिए ऋण देती है। अब बात करते हैं राज्य स्तर भी, ये दो पार्ट में होता है। राज्य स्तर में दो प्रकार के लोन देते हैं, एक गैर संस्थागत और एक संस्थागत, यानी ये सरकारी बैंक होता है, सरकार का सहयोग से चलता है, और गैर संस्थागत यानी राज्य में देखना कोई कोई गांव में लोन दे देता है, पैसा कर्जा दे देता है ब्याज पर, तो ये गैर, जैसे महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये लोग क्या हो गए गैर संस्थागत। और ये संस्थागत में आ जाएगा सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन के लिए लोन देता है, व्यावसायिक बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है, लिख लीजिएगा। एक देखो कितना बढ़िया ये है, व्यवसाय कर रहे हैं ना, 1-9-6 होते रहता है व्यवसाय में, 1-9-6-9 बार बार ना इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट तीन बार ये पूछा गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, और अभी भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, राज्य में, सॉरी बिहार राज्य की बात अगर बताएं तो राज्य में यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापना हुआ और अभी 196 बैंक कार्यरत है। उसके बाद से नाबार्ड, नाबार्ड जो है ये भी लोन देती है, लेकिन किसे, ग्रामीण गांवों को अच्छा बनाने के लिए, समृद्ध बनाने हेतु ये लोन देती है, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था, लेकिन आपके किताब में इसके बारे में 1991 दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में 25 केंद्रीय बैंक, कितने केंद्रीय बैंक है, 25 केंद्रीय राज्य में, सॉरी राज्य में 25 केंद्रीय बैंक कार्यरत अभी हैं, जो कि जिला में भी कुछ केंद्रीय बैंक है, कुछ राज्य में इधर उधर हैं। यहाँ देखिए, अब बात करते हैं, आपने तो बैंक के बारे में पढ़ लिया, लेकिन एक और चीज, क्या व्यवसायिक बैंक जो होता है सिर्फ व्यापार के लिए पैसा देता है, कि लो भाई खाने पीने के लिए, अगर रहने के लिए पैसा नहीं देगा। जैसे यहाँ देखो, ये जो होता है भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार, तो ये खाने पीने के लिए लोन देगा आपको, कि लीजिए लोन खाइए, पैसा लीजिए खाइए, खाने के लिए नहीं, ये व्यवसाय करने के लिए लोन देता है। उसमें जो होता है जितने भी बैंक होते हैं वो सबसे पहले आपको जमा राशि को स्वीकार करेगा। व्यावसायिक बैंक जाइए देखिए अपने यहाँ होता है ना, पैसा जमा करता है, तो जमा राशि में भी चार प्रकार का पैसा जमा करता है। एक वो करेगा स्थायी जमा, एक के बाद 2-3 साल के लिए कर दो, ठीक। अब देखो, एक होता है चालू जमा, जब मन करे तब पैसा जमा करते हैं, जब मन करे तब निकालते हैं। एक होता है अस्थाई जमा, जब चाहे जमा कर दो लेकिन निकाल नहीं सकते हो, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000, 1200, 10000, 20000 जमा करो, लेकिन सीमित होता है समय कि कब निकालोगे। एक होता है आवर्ती जमा, जिसमें 60 से 72 दिनों तक, 72 महीना हो गया दिनों तक, उसमें जमा कीजिए आराम से, उसके बाद गोटे कुछ साल के बाद आपको पैसा देगा। तो ये हो गया व्यावसायिक बैंक में जमा किया जाता है चार प्रकार का। उसके बाद से व्यावसायिक बैंक आपको ऋण प्रदान करता है, उसके बाद से उसकी कुछ काम भी है, व्यावसायिक बैंक आपको चेक देगा, उसके बाद से आपको एक प्रमाण पत्र बना के देगा, जिससे आप विदेशों से भी माल उतरवाइएगा ना तो किसी प्रकार का लफड़ा नहीं रहेगा। उसके बाद से लॉकर की सुविधा, फिल्म में देखना अपना संपत्ति जाके बैंक के लॉकर में रखता है लोग, ठीक है, तो ये चीज़ चाहे कोई फॉर्मूला बनाता है लो बैक्टीरिया वगैरह वाला, तो ले जाके उसी में रखता है लो, तो लॉकर की सुविधा देता है, ATM कार्ड की सुविधा देता है। अब बात करते हैं सहकारिता क्या है, तो वही बात है, जब सहकारिता का एक नारा है, सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सब के लिए, माने हम सब लोग एक एक आदमी के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग मिल करके एक आदमी को सपोर्ट कर दें, और एक एक आदमी हम लोग सपोर्ट करेंगे तो सबका सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सहकारिता, ग्रुप बना के और हेल्प कर लेना। 1904 में भारत में सहकारिता की शुरुआत हुई थी और इसका संशोधन 1912 में हुआ था। उसके बाद से स्वयं सहायता समूह, ये क्या होता है, तो ये भी सहकारिता का ही पार्ट है, जिसमें 15 से 20 लोगों का समूह होता है और पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये लेसन आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो आप बताइए कि RBI की स्थापना कब हुई, उसके बाद से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI की स्थापना कब हुई, और तीसरा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों आपको बताना है, ठीक है। ये तीनों, पहला हो गया 1935,
एसबीआई की स्थापना 1900 आपका हो जाएगा कितना 1955, ठीक है, और सीबीआई की स्थापना 1911, ठीक है, ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिए हैं। ये लेसन बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है, चुटकियों में समझिएगा। यहाँ वो देखिए क्या कर रहा है, रोजगार एवं सेवाएं। भारत में आप देख रहे हैं बेरोजगारी कितना है, नौकरी मिल रही ना है, सभी लोग परेशान है, लेकिन आखिरकार ये पैसा आता कहाँ से है? तो तीन क्षेत्र से आता है, पहले ही लेसन में बताएं, पहला प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तीनों क्षेत्र हो गया। पहले क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, दूसरे को उद्योग क्षेत्र और तीसरे को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो तीन क्षेत्र से आता है, जिसमें दोनों क्षेत्रों को अगर मिला दिया जाए, खूब खेती करने वाले लोग हों और व्यापार करने, तो कुल मिला करके 49.9% लोग इस पर डिपेंड है, जबकि सबसे ज़्यादा लोग नौकरी के चक्कर में है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, जो 55.1% लोग सेवा क्षेत्र में, एग्जाम में पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में वो पूछेगा, इसको रट लीजिए कि सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत का योगदान है, तो 55.1% लोगों का योगदान है। सरकार द्वारा कुछ चलाई गई योजनाओं पर जिक्र करते हैं कि आखिरकार रोजगार के लिए कुछ प्लानिंग किया सरकार की, यार हम लोग थोड़ा बहुत तो किसी को रोजगार दें, क्योंकि यहाँ भुखमरी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले सोचा कि सबसे ज़्यादा युवा नौकरी के चक्कर में लगा है, तो पहली बार युवाओं से शुरू करते हैं। जब युवा को नौकरी दे देंगे, धीरे धीरे गाँव के लोगों को देंगे, ग्रामीण लोगों को, तो सबसे पहले युवा को दिया गया, युवा को दिया गया रोजगार प्रशिक्षण 1979 में, याद रहेगा। ठीक इसके एक साल बाद गांव वाले को दिया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण देखते ही 80 मारिएगा, 79 याद रखिए, 80 में मारिएगा ग्रामीण या समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया, ये रोजगार देता था। उसके बाद से तीन साल बाद सोचा गया कि गांव वाले को दे दे तो थोड़ा सा भूमि को भी उनके सुधार दे, पहले लड़का फिर गांव फिर जमीन को सुधारना है। तो यहां ग्रामीण भूमिहीन रोजगार, जिसके पास जमीन है ही नहीं, उनको रोजगार दिया गया 83 में। उसके बाद से प्रधानमंत्री ने सोचा, यार हम वो कुछ कर लेते हैं, हमारा भी नाम हो जाएगा। तो याद रखिएगा उस समय, मतलब कुछ देर के लिए बात कर रहा था, जवाहर रोजगार योजना कब 1989 में शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था 89 में। यहाँ देखिए 79 और यहाँ 89, याद रहेगा 79 89, 10 साल में 4 योजना चला, 79 80 83 89, ठीक। उसके बाद से काम के बदले अनाज एक योजना चलाया गया, जो 14 नवंबर 2004 को, याद रखिए काम के बदले रोजगार। उसके बाद से स्वयं सहायता समूह, जानते ही हो नरेगा 100 दिन का काम देता है, अब 200 दिन शायद हो गया है, ठीक है। बोला गया कि मानव तब अमीर है जब उसके पास तीन चीज होगी, स्टार्टिंग में ये बोला गया, रोटी कपड़ा और मकान रहेगा तो आप खुश रहेंगे, लेकिन अब बोला गया कि नहीं, अब मानव के 5 घटक, रोटी भी होना चाहिए, मैंने भोजन तो रहना चाहिए, कपड़ा भी रहना चाहिए, मकान भी, लेकिन अब शिक्षा भी जरूरी है और स्वास्थ्य जरूरी है, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। तो ये 5 घटक मानव के अब हो गए, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। वैश्वीकरण पढ़ते हैं, अब ये लेसन हो गया कंप्लीट। छठा लेसन क्या है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण या इसे कहते हैं भूमंडलीकरण, दोनों कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, विदेशों का सामान अपने यहाँ आ रहा है कि नहीं, अपने देश का सामान दूसरी जगह जा रहा है, कैसे जा रहा है, जानते हो, बैठ करके एक प्लानिंग किया गया कि सभी एक बाजार बनाया गया, अब बोला गया कि सभी लोग इस देश के लोग इस बाजार में क्या करेंगे, आएंगे और अपना अपना सामान एक दूसरे देश को बेचेंगे, ताकि हर जगह की चीज़ें हर देशों में उपलब्ध हो जाए। इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। इसकी शुरुआत 1991 यानी कि 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 91 में। लेकिन कोई भी विश्व की अर्थव्यवस्था ने, विश्व का कोई भी देश आपके देश में क्यों आएगा, और देखिए क्यों आएगा, जब आप उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लीजिएगा तो बोला है कि आप आइए हम टैक्स नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं उदारीकरण, क्या बोलते हैं, उदारीकरण। यहाँ देख लीजिए, उदारीकरण में सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रण को हटा दिया जाता है कि आप आइए और व्यापार कीजिए। एक होता है निजीकरण, माने अपन, सार्वजनिक क्षेत्र जो भी होता है, जो भी होता है, जैसे स्कूल वगैरह देख रहे हैं प्राइवेट, सॉरी सरकारी होता है, लेकिन सरकार बोली कि आप प्राइवेट भी स्कूल खोल सकते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र में से कुछ निजी क्षेत्र बना लेना, ठीक है। जैसे स्कूल पहले सरकारी था, अब प्राइवेट कुछ निजी बन गया कि नहीं, तो इसी को कहा जाता है निजीकरण। तो ये आप समझ गए वैश्वीकरण क्या होता है। अब देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये व्यापार के लिए नियम बना रहा था और बोल रहा था कि आप खुल के व्यापार कीजिए, आपको किसी प्रकार का रोक नहीं लगेगा, पूरे विश्व के उसमें लोग बैठते हैं। कब WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है, एकदम खुल के कहीं जाकर व्यापार आप कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। मुक्त व्यापार की सुविधा देता है,
अब बताओ कि ये पूरे के पूरे विदेश के लोग, विदेश की कंपनियां अपने देश में आ गई तो यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? यहाँ जितना भी छोटा मोटा व्यापारी थे ना, उनका दुकान दौरी सब बंद हो गया, ठीक है? तो बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो सकारात्मक, अच्छा प्रभाव पड़ा कि कृषि में वृद्धि हो गया भाई, अलग अलग सामान प्रोडक्ट आने लगा, निर्यात होने लगा, उसके बाद से विश्व स्तरीय वस्तु उपलब्ध, बिहार में भी अलग अलग की वस्तुएं यहाँ पे हम देख, चाउमीन मोमिन खाते हैं ना, ये सब चाइना से आया है, तो आया कि नहीं? रोजगार के अवसर मिले जब कंपनी आई तो अच्छा बात है, ठीक है? और बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई, बीमा की स्थापना हुई, ठीक है? इसका सब आगमन हुआ, बैंकों का आगमन हुआ, लेकिन कुछ नकारात्मक माने थोड़ा सा निगेटिविटी वाला प्रभाव पड़ा, जैसे छोटा मोटा उद्योग धंधा बंद हो गया, ठीक है? रोजगार पर के विपरीत प्रभाव, रोजगार तो आया लेकिन मान लो कि कोई व्यक्ति कंपनी में काम करना सीखा ही नहीं है, शुरू से खेती किया तो उसका तो काम धंधा बंद हो गया ना, ये हो जाएगा। उसके बाद से एक और कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा होने लगी भाई, जो खेती से चीज़ें बनता था सामान वामान उसको लोग बा बेकार है, उससे बढ़िया अलग से जाकर दूसरा कुछ खरीद लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? अब ये तीन चीज़ें याद रखिए, नई आर्थिक नीति के तीन चीज़ें, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? इसका मतलब होता है, यहाँ समझ जाइए कि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, इस सब का स्थापना शुरुआत 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ठीक है? और ये तीनों चीज़ें अगर खुल के व्यापार पूरा तरह से छूट दे दिया जाए कि जाओ जितना मन करे कमाना है, बस थोड़ा सा हमको टैक्स दे देना, सभी कंपनी यहाँ आएंगी और व्यापार करेंगे, इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। तो ये लेसन आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। या तो पूरा ऐसे ही पढ़ा दिए, जो कर्म फोरे है। यहाँ देखो बाबू, तो यहाँ देखिए, देखिएगा हम लोग के मार्केट में जो भी दुकानदार होते हैं, कभी कभी हम लोगों के ग्राहकों को, जैसे हम लोग जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो हम लोग ग्राहक है, ग्राहक को उपभोक्ता कहा जाता है। तो ग्राहक हमको कई तरह से लूटता है, बेवकूफ बना दे, कभी वजन कम तौलेगा, कभी सामाने डुप्लीकेट दे देगा, कभी वापस ही नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ें हम लोग को बेवकूफ बनाते रहता है। तो हमारा अधिकार है कि उस पर हम जा करके केस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन किस किस तरीका से केस करेंगे, कौन कौन से नंबर पर कंप्लेन करेंगे, कौन से वेबसाइट पर टाइप करके कंप्लेन नंबर डालेंगे, क्या क्या करेंगे, उसको यहाँ डीपली समझते हैं। यहाँ देखिए, उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता यानी कि ग्राहकों को जगाना है कि देखो तुमको लूटने वाला लूट रहा है दुकानदार, तुम जागो, ठीक है, और अपने आप को बचाओ करो। तो यहाँ देखिए, दुकानदार और ग्राहक, ग्राहक को क्या बोला जाता है? उपभोक्ता। प्रत्येक प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकार है, सुनो क्या क्या अधिकार है आपका, समझिएगा बाबू। वस्तुओं की गुणवत्ता को चेक करें कि सामान डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, उसकी मात्रा को चेक करें कि वजन सही है ना, बनाने में जो भी प्रयुक्त हुआ है सामान उसकी जाँच पड़ताल करें, ये हमारा अधिकार है, ग्राहकों का एक अधिकार है। उसके बाद से उपभोक्ता के सबसे मुख्य नारा है जागो ग्राहक जागो, ये रट लीजिए, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, ठीक है, ये सब नारा होता है। उपभोक्ता कैसे जागरूक है, उसके लक्षण क्या है? तो जागरूक उपभोक्ता के क्या लक्षण है, कैसे पता चल रहा है कि बड़ी ग्राहक एक्टिव है भाई, किसी इसको बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा? तो सुनो, कोई भी चीज सामान खरीदने जा रहे हो ना, उसको ध्यान से देख रहे हो तो दुकानदार देखेगा भाई बड़ी बढ़िया से देख रहा है, पकड़ नहीं लेगा डुप्लीकेट है। तो ये चीज़ें जागरूक ग्राहकों का काम होता है, ठीक है, जागरूक उपभोक्ता का काम होता है। सबसे पहले छात्र और छात्रा कैसे पता चलेगा कि बड़ी एक्टिव है, आप लोगों को कैसे चेक किया जाएगा? किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए तो डायरेक्ट जाकर एडमिशन मत लीजिए, सबसे पहले बाबू ये पता कीजिए कि वो जो कॉलेज है वो अफिलिएटेड है कि नहीं है, माने मान्यता प्राप्त है कि नहीं, किससे मान्यता प्राप्त, UGC से मान्यता प्राप्त, किससे? UGC। किसी भी कॉलेज में चले जाइए, किताब में भले लिखा है लेकिन आप ऐसे किसी भी चले जाइए कॉलेज में तो पहले पूछिएगा UGC से मान्यता प्राप्त है, तब जाके किसी प्रकार का एडमिशन वहां पे लीजिएगा, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो वहीं उसी बैंक के संस्था पर आप उस वहीं पे सिग्नेचर करा लीजिए। अगर आप गैस उठा रहे हैं तो गैस के अंतिम तिथि जरूर देखिए, ताकि उससे एक चीज़ पता चलेगा, पता है क्या, कि अंतिम कब उठाए हैं आप, नहीं तो 2 महीना बाद आता है, 1 महीने का उठा के बेच देता है, ऐसा चीज़ें होता है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दवा अगर खरीद रहे हैं तो उस दुकान से दवा खरीदें, जागरूक उपभोक्ता, जिस दुकान का लाइसेंस हो, ठीक है, नहीं तो किसी दुकान से खरीद लीजिएगा, ऐसा दवा दे देगा रिएक्शन कर जाएगा, कल झोरिया झंटा बांध के चला जाएगा और आप देखते रह जाइएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं और आपको पता चले कि कैसे चलेगा कि ये वस्तु डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, तो क्या क्या उसमें देखेंगे, यहाँ देखिए। सबसे पहले वस्तु को खरीदने से पहले ISI का मार्का देखेंगे कि ये है कि नहीं, एक मार्क देखेंगे और हॉल मार्क देखेंगे।
हॉलमार्क कब देखते हैं? जब हम लोग देखते हैं एक चीज की सोना खरीदने जाते हैं तो उस वक्त हॉलमार्क देखा जाता है, खाने वाला सामान खरीदने जाते हैं तो एगमार्क देखा जाता है, और असली और नकली वस्तु की पहचान करना कि जो सामान खरीद रहे हैं वो असली है कि नकली है, तो उसके लिए हम लोग ISI का मार्का देखते हैं। आप हर जगह जा करके ISI, सीमेंट पर भी ISI रहता है, पता चलता है कि डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। यहाँ देखिए, अगर आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम पर जाने के लिए सबसे पहले लॉगिन कीजिएगा, मोबाइल में सर्च कीजिएगा वीडियो देख लेने के बाद, ठीक है, ncdrc.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं आप, या फिर उपभोक्ता संगठन का एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है www.pots.international.organization, ये वाला। अगर इससे भी नहीं आ रहा है तो ये वाला सबसे आसान तरीका है कंप्लेन करने का, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1811 और ये 4000, ये पूरा का पूरा 10 नंबर है और इस पर कंप्लेन आप कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा उपभोक्ता को कंप्लेन करने के लिए कितना रुपया लगता है? कोई शुल्क नहीं लगता है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं, ये इतना करने के बाद भी अगर देखिए कि सरकार यार कोई कंप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो सरकार ने डायरेक्ट हर जिला, हर राज्य और हर देश में अलग अलग की सरकारें जितनी भी हैं, ठीक है, अलग अलग एक ऑफिस बैठा दी, ग्राहक जाके अपना वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी उपभोक्ता को बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ। कब हुआ? 1986। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लगा? 1986 में, ये आपको याद रहेगा। और उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है अगर ये पूछे तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 15 मार्च। अब देखिए, धारा 6 के अनुसार, समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस धारा के अनुसार उपभोक्ता को अधिकार दिया गया है, भाई कौन कौन सा अधिकार? तो यहाँ देखिए, धारा 6 के अनुसार कुछ अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सामान वामान आप बढ़िया से चुन बीन करके तब खरीदिए, ठीक है, और सुनवाई का अधिकार, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार के तहत किसी को भी झुकाया जा सकता है, क्योंकि हमारा अधिकार है। अगर आपके गांव में कोई मुखिया जी काम नहीं करा रहे हैं और आपसे अगर 5 साल बीत गया, तो अब कितनों साल बीत जाए, किसी भी मुखिया से आप ये उसका पूरा का पूरा डेटा ले सकते हैं कि आपने 5 साल में क्या क्या किया, हमको लिख के जीरोक्स करा के दीजिए, तो उसका जीरोक्स यानी छाया प्रति बोला जाता है, जीरोक्स करा के देना पड़ेगा। अब कहेंगे आपका क्या अधिकार है, तो बोलना कि सूचना के अधिकार 2005 के अनुसार हर नागरिक को यह अधिकार है, ठीक है, 2005 के अनुसार यह नागरिक को अधिकार है कि भाई आपने क्या क्या किया सरकारी फंड से, इसको पूरा का पूरा डेटा दे, कभी भी आप ले सकते हैं 2005। अब आप कंप्लेन करने जाएंगे तो 3 स्तर पर जाइए, आप जिला स्तर पर, वहाँ आप उससे संतुष्ट नहीं है तो राज्य स्तर पर कंप्लेन कीजिए, राज्य स्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप चले जाइए राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय आयोग को कंप्लेन कीजिए, ग्राहक हैं तो। लेकिन आप सोचिएगा सर, 10 रुपये का सामान आप उतना लंबा जाएँ 10,000 रुपये 20,000 रुपये लगाने के लिए छोड़ देते हैं, सही बात है, कोई फ़ायदा होता नहीं है, भले हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। अब देखिए, अगर राष्ट्र पर भी पूरा देश वाला जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोग वो भी नहीं सुने, तो 30 दिन के बाद, कितना दिन, 30 दिन के बाद अगर ये तीनों से उब गए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, ठीक है, कुछ सुनवाई होने वाला नहीं है, लेकिन इसके अनुसार ठीक है। 3 स्तर पर शिकायत की व्यवस्था कर सकते हैं, राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। याद रखिए, 20 लाख से कम रुपया का अगर कहीं चूना लगा है आपका, कहीं नुकसान हुआ है, तब आप जिला में कीजिए, अगर 20 लाख रुपया का कोई घोटाला कर दिया है कोई दुकानदार, तो आप राज्य में कीजिए, और 1 करोड़ की लागत अगर है, 1 करोड़ का अगर नुकसान हुआ है, तो आप राष्ट्र में कीजिए। और ये वहाँ 20 लाख रुपया देखे ही नहीं आदमी, बताओ हम लोगों का चूना दुकानदार कितना का लगाता है, कितना का नुकसान होता है, खूब होगा तो 20-50 रुपये में नुकसान होता है, ठीक है, ठग देगा, यही ना काम करेगा, ये कह रहा है 20 लाख रुपया से होगा कम, तो जाके राज्य में कंप्लेन कीजिए, जिला में कंप्लेन कीजिए। अब लोग, अब उतना तो आदमी पैसे नहीं देखा है, ठीक है, तो ये किसके काम का है, ये पैसे वाले लोगों के लिए है कि नहीं, ये चीज़ें याद रखेंगे। 30 दिनों के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 लाख से अगर अधिक रुपया अगर कोई दुकानदार आपसे लूट लिया है तो आप कहाँ कंप्लेन करने जाएंगे, तो राज्य स्तरीय आयोग के पास जाएंगे, और 20 लाख से कम है तो जिला में जाइए, 1 करोड़ है तो आप कहाँ जाइएगा, राष्ट्र में। और हमारा 1 करोड़ क्या 20,000 रुपया देखे हुए कैसे हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है, हम लोग तो स्टैंडर्ड भी खा रही हैं। चलो ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि बाबू ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो एक बार लाइक के बटन को दबाइए और लगातार आप कमेंट कीजिए, अगर बहुत शानदार लगा होगा तो। ज्योग्राफी बाय अमित सर,
हिस्ट्री बाय अमित सर और इकोनॉमिक्स बाय अमित सर, इतना जरूर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा अगर बहुत ही शानदार लगा हो तो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले बुक के साथ, इससे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट लड़ेगा और देखिएगा आपका रिजल्ट टॉप ऑफ द बेस्ट भी होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले बुक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।